लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज ऐरोली सेक्टर 5 में प्रस्तावित नाट्यगृह का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सांसद राजन विचारे, जिला प्रमुख द्वारकानाथ भोईर, विठल मोरे और विजय चौगले तथा स्थानीय नेता एम के मढ़वी खासतौर पर मौजूद थे। शिवसेना के निवर्तमान नगर सेवक करण मढ़वी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने नाट्यगृह के शीघ्र निर्माण के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बता दें कि 6 दिन पहले इसी नाट्यगृह का शिलान्यास बीजेपी नेता गणेश नाइक ने कर दिया था। देखिए रिपोर्ट। ऐरोली में नाट्यगृह निर्माण का ग्रहण छंटने का नाम नहीं ले रहा है। आज पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने नारियल तोड़कर दूसरी बार ऐरोली नाट्यगृह का शिलान्यास किया। इससे 6 दिनों पहले पूर्व पालक मंत्री गणेश नाइक ने सेक्टर 5 के इसी भूखंड पर नारियल तोड़कर निर्माण का शुभारंभ किया था। फिलहाल राजनीतिक वर्चस्व में उलझे इस नाट्यगृह का निर्माण जल्द पूरा होगा, इसका पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज भरोसा दिलाया। उन्होंने बीजेपी नेताओं का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। पालक मंत्री ने नाट्यगृह के लिए स्थानीय नगर सेवक एम के मढ़वी के प्रयासों की भी प्रशंसा की और कहा कि ऐरोली नाट्यगृह के शीघ्र निर्माण के लिए जो भी जरूरत होगी उसे हर संभव पूरा करने की कोशिश करेंगे। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। नाट्यगृहाचं काम सुरू झालेलं आहे, कारण हे अधिकृत भूमिपूजन आहे, हे अनधिकृत नाही, लपून छपून केलेलं नाही। हे याच्यावर पूर्णपणे त्याची प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्कामोर्तब करून आज गेल्या अनेक वर्षापासून जे 2014 पासून एका चांगल्या वास्तूला या भागातल्या जनतेला वंचित ठेवलं होतं तो दिवस आज संपलेला आहे। नवीन आपल्याला पर्व सुरू करायचं आहे आणि यामध्ये उद्यापासून याचं काम सुरू होईल आणि लवकरात लवकर याचं नाट्यगृह जे आहे ते लोकार्पण होईल, लोकांच्या लोकांसाठी ते खुले होईल। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन करने वाले स्थानीय शिवसेना नेता एम के मढ़वी और युवा नेता करण मढ़वी ने कहा कि ऐरोली नाट्यगृह जल्द पूरा हो यह हर ऐरोलीकर का सपना है, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से इसके निर्माण में देरी की जा रही है। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि विष्णुदास भावे की तर्ज पर जल्द ही यह भव्य ऑडिटोरियम बनकर तैयार होगा। यह नाट्यगृहाचं वर्क ऑर्डर मध्ये 24 महिन्याचा टाइम पीरियड दिलेला आहे। त्या कॉरेक्टरनी चॅलेंज देऊन सांगितलं ह्या नाट्यगृहाचं काम मी 14 ते 18 महिन्यामध्ये पूर्ण करून देतो आहे। त्या कॉन्ट्रॅक्टरची कॅपॅसिटी आहे, त्या कॉन्ट्रॅक्टरला कोणी ओळखत नव्हता, त्या ठिकाणी पारदर्शकपणे काम झालं। अहो त्या टायमाला ते सत्तेत असताना, ते मंत्री असताना ह्याच याच्यामध्ये नगरपालिकेच्या पेपरमध्ये आहे त्या कॉन्ट्रॅक्टरनी 73% अभाव टाकला आहे रेट 73, आणि आता यांची सत्ता गेल्याच्या नंतर तुम्ही नगरपालिकेमध्ये माहिती घ्या 2-5% मायनसमध्ये कामं घेत आहेत। आणि मी एवढंच म्हणेल, जो काम करेल त्याला श्रेय मिळाला पाहिजे, त्यांनी काम करावं, त्यांनी श्रेय घ्यावं, जो काम करेल त्याला श्रेय मिळेल। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।